तो हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास टेंथ हिंदी मीडियम सब्जेक्ट मैथ। तो जो अपनी लास्ट वीडियो थी, पिछली वीडियो थी, हमने उसमें क्या किया था, एक्सरसाइज 6.2 से संबंधित जितने भी क्या थे उदाहरण थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 16.2। ठीक है, तो 16.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर पहला, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है। क्या है? बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। क्या याद करना है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखो, सबसे पहले तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, व्यास दिया गया है। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी? 14/2 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, सबसे पहले तो वही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, उसमें फिर क्या पाई आर स्क्वायर 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। क्या होता है? 2πRh। अब इसमें क्या जोड़ देंगे? 2πR² जोड़ देंगे। फिर हम इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे? 2πR कॉमन ले लेंगे। क्या बच जाएगा? R प्लस एच, ठीक है, या फिर H प्लस R। तो ये हो गया किसका फॉर्मूला, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ ना कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये है, उसमें दो वृत्त यानी एक ऊपर वृत्त और एक नीचे वृत्त, उन दोनों का क्षेत्रफल भी हम उसमें जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। तो देखो 2 7 × 2 से, ठीक है, आर का मान अपने पास है कितना? 7 सेंटीमीटर। अब है 7 प्लस में 15, तो देखो 7 से 7 कट गया, 22 × 44 गुना 15 × 7 = 22। कितना हो गया? 22। तो देखो 44 × 88 का 8 का 44 × 88 88 × 8 = 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्या आ गया? ये अपने पास आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आ गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं आयतन की। किसकी बात करते हैं? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो आयतन का मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है किसमें? वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देते हैं। किसमें? वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दें तो क्या निकल जाता है? आयतन निकल जाता है। तो देखो वही 22/7 × 7 × 7 × 15 एक साथ कट गया। ठीक है, अब गुना कर लो 7 का 22 थे तो 7 × 2 = 14 और इसका गुना कर लो कितने से? 15 से। ठीक है, तो 15 × 4 = 60 हासिल लगी 6, 15 × 5 = 75, 75 × 6 = 61 को 1 को हासिल लगी 6, 15 × 15 = 6 = 21 सेंटीमीटर क्यूब। देखो मीटर है तो मीटर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं गुना, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 15, तो 15 × 4 = 60 की 0 हासिल लगी 6, 15 × 5 = 75, 75 × 6 = 81 तो हासिल 8, ये हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा? 23, क्योंकि जो हासिल वो कितने की है? 6 की नहीं, 8 की है ना। तो ये अपने पास क्या निकल के आ गया? आयतन। क्या आ गया? आयतन। और वैसे भी ऐसी जो कई बार ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं ना, क्योंकि अभी यहाँ बच्चे तो बैठे रहते हैं जो बताते हैं ना, तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो
कुछ छोटी मोटी गलती हो जाती है उनको तुम अपने आप सही कर लिया करो ना। जैसे पिछली वीडियो का जो फर्स्ट एग्जांपल था ना, उसमें वो आर स्क्वायर को भी मैंने 49 लिख दिया था और आर की वैल्यू को भी 49 है ना, तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है 49 का अंडर रूट 7 हो जाती है ना। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं कई बार, तो उनको तुम अपने आप सही कर लिया करो, ठीक है। तो बेलन का आयतन ये निकल गया, और ये निकल के आ गया क्या अपने पास, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अपने पास बेलन का आयतन भी आ गया और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही हमसे पूछा गया था, यही हमने निकाल दिया। तो अपना क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हल हो गया। देखो सेकंड है, एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। देखो एक लंब वृत्तीय क्या है, बेलन, तो लंब पृष्ठीय बेलन की ऊंचाई, तो मैं यहां सीधा ऐसे ही लिख लेता हूं, ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर, और यहां भी लिख देते हैं हम 7 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर यह है 3 सेंटीमीटर, तो आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें 3 सेंटीमीटर, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल करना है, फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके बाद आयतन, तीनों ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा से फॉर्मूले लगा देंगे, सबसे पहले ज्ञात करते हैं क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसकी परिधि में h से गुना कर देते हैं। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, उसमें गुना कर दिया किससे, सॉरी h से गुना कर दिया ना, तो क्या बन गया अपने पास, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 2 × 22/7 × 3 × 7, तो देखो 7 से 7 कट गया, 22 × 44 का गुना 3 से, तो 4 × 3 = 12 और 4 × 3 = 12 और 1 = 13 cm², ठीक है। ये तो आ गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में हम क्या जोड़ दें, दो वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ दें, तो क्या निकल के आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, वैसे अभी मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, 2πr r + h, तो 2 × 22/7 × r अपने पास है 3 और ये हो जाएगा 7 + 3, ठीक है। तो देखो इधर लिख देता हूँ, 22 × 44 = 3 किया अपन ने, है ना, ये तो अपन ने हल कर ही लिया था, 44 × 3 = 132, तो ये हो जाएगा 132 × 7 × 3 = 10/7, ठीक है। तो काट के देख लो अगर कट जाता है तो, है ना, नहीं तो पॉइंटों में आएगा, तो पॉइंटों में देखो ये सीधा इसमें ऐसे ही कर देते हैं हम, 32 में भाग देते हैं किससे, 7 से, तो इसमें तो जाएगा नहीं, एक बार गया किसमें, 13 में, देखो इधर हम भाग दे लेते हैं 1320 में 7 से भाग, 7 × 1 = 7 × 6 उतार लिए 2, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, कितना आया 56, बचा 6 फिर उतार लिया 0, तो वही 7 × 8 = 56, 4 × 0 = 0, तो 7 × 5 = 35, तो कितना आएगा 188.5, ठीक है।
इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, है ना, कितना आया अपना 188 पॉइंट, और आगे दे देंगे तो 7 और आ जाएगा ना, तो 188.57 सेंटीमीटर। दिख तो रहा होगा ये, नहीं दिख रहा है, ये लो दिख गया, ठीक, ये आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं आयतन की, बेलन का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 गुना 3 तो 3 × 9 गुना में एच, एच है 7, तो 7 से 7 कट गया, 9 × 2 = 18 और 19 सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रखना, जब भी आयतन निकालते हैं तो घन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, घन लगाते हैं ना, और जब भी हम क्या निकालें, क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या लगा देते हैं, स्क्वायर, ठीक है। देखो हमने इनको फॉर्मूला से किया, अगर तुम फॉर्मूला से ना करो तो देखो 132 में 2πr² जोड़ दो, देखो 2πr², पाई आर स्क्वायर एक है, एक वाला ये, एक वाला ये, 2πr², तो देखो 2 × 22/7 गुना में 9, ठीक है। तो देखो इन तीनों का गुना करेंगे जब कितना आ जाएगा, 198, कितना आ गया 198, सॉरी हाँ सेम है, केवल एक एच से ही तो गुना हुआ, इसमें वो एक एच हट जाएगा, तो इसमें 7 से भाग दे दो, ठीक है, तो 7 से भाग दे दो, 7 × 2 = 14 बचो 5, तो 7 × 8 = 56 पॉइंट कुछ आएगा, उसमें जोड़ देना कितने में, 132 में, ठीक है, इसमें जो भाग दे के आएगा वो 132 में जोड़ देना, क्या आ जाएगा, वही निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखो हमने क्या निकाला था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, तीनों चीज़ अपने पास निकल के आ गई। सीधे सीधे से क्वेश्चन है ना, केवल कैलकुलेशन जो इसकी गणना है ना, इसमें गलती मत करना, सीधे सीधे फॉर्मूले लगाओ और उनको हल कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, बेलन का आयतन ज्ञात करना है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और बेलन के सिरे का क्षेत्रफल दिया गया। देखो बिल्कुल सरल है, कोई घबराने की बात नहीं है, ये एक क्या है, बेलन है, क्या है, बेलन, तो हमें इसका सिरे का क्षेत्रफल यानी ये एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो देखो इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे, और त्रिज्या निकाल लेंगे तो सब कुछ, और ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, ऊंचाई हमें इसमें दी गई है बेलन के सिरे की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेलन की ऊंचाई ही लिख लेते हैं, बेलन की ऊंचाई बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दिया गया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो बेलन का सिरा यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर हमें दिया गया है 154। तो यहाँ से हम आर का मान निकाल लेंगे, जैसे हम पहले निकालते थे 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 154, ठीक है, 7 गुना में आएगा और 22 भाग में आ जाएगा। तो देखो आर स्क्वायर बराबर 154/22 गुना में 7,
ठीक है, अब इनको काट दो, दो से काट देते हैं। देखो ये हो जाएगा, यहाँ आएगा 77, सात बार कटा, बचा एक, सात, इसको दो से काट देंगे तो 11, और ये कितना हो जाएगा, 7 7 7 49, तो R बराबर आ गया 49 का अंडर रूट 7। क्या आ गई, तिरजा आ गई। देखो अगर हमको तिरजा नहां भी नहीं भी निकालते ना, तो हम इसकी सहायता से आयतन तो आसानी से निकाल सकते हैं ना। आयतन तो क्या होता है, वृत्त के स्क्वायर में ऊंचाई से गुना कर देते हैं, तो 144 गुना में 21 कर देते तो क्या आ जाता, बेलन का आयतन आ जाता। लेकिन हमें यहाँ केवल बेलन का आयतन ही नहीं पूछा है, हमें यहाँ बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो हम सबसे पहले बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं। तो देखो बेलन का आयतन तो सीधा सीधा सा है, इसमें हम ऊंचाई को गुना कर देंगे। ठीक है, देखो बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो देखो 22/7 गुना आर अपने पास कितना है, 7, 7 गुना 7, तो देखो 7 से 7 कट गया, तो 7 × 14 कितना आ गया, 154। उसके बाद एक एच और है, कितना है, 21, तो इससे ये कट गया, यानी कि 154 का गुना हमें पहले भी 21 से ही करना था, अब भी 21 से, है ना, हमने सीधा फॉर्मूला लगा दिया। चाहो तो तुम इसका गुना इससे कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, आयतन, क्योंकि देखो ये क्या है, पाई आर स्क्वायर और एक एच और है बस, है ना, तो ये क्या आ गया, आयतन आ जाएगा। तो गुना कर लो, 21 × 84 को 4 का हासिल लगी 8। देखो 21 × 5 105, 105 और 8 कितना होता है, 113, 113 का 3 का हासिल लगी 13, 21 × 1 = 21, 22 23 24 10 34 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, इतना ही आ रहा है। एक बार और गुना करके इनको चेक कर लेना ना, कि इनका आंसर इतना ही आ रहा है क्या। देखो ये आ जाएगा 13 लगेगी, 13 21 13 ही आएगा क्या, देखो ये है 21 × 5, तो 5 × 5 = 5 5 × 2 = 10, 105, तो ये हो गया। और इसमें कितना, 84 8, इसमें क्या लगा था, हासिल लगी थी, क्योंकि कितना होता है, 21 × 84, तो 84 का 4 का और हासिल लगी 8, तो 105 में 8 जोड़ दो, तो 8 × 5 = 13 हासिल लगी, ये कितना जाएगा, 113, तो 11 कितना लगेगा, 11, तो यहाँ जाएगा 32, है ना, 113 का 3 तो लिख लिया, तो हासिल कितने की है, 11 की लगेगी, कितने की लगेगी, 11 की, तो 21 × 21 और 21 × 11 = 32, तो अपने पास आ गया 32 × 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया बेलन का आयतन। अब हमसे क्या पूछा है, और हमसे पूछा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसके वक्र पृष्ठ का, बेलन के वक्र पृष्ठ का, चाहो तो पूरा लिख लेना, फॉर्मूला पता ही है सबको, 2πRh, यानी कि 2 × 22/7 गुना ये कितना है, 7 ये है 21। ठीक है, तो किससे कैसे कर लो, इस 7 से 7 को काट दो, 22 × 44 गुना कर लेते हैं 21, तो वही 21 × 84 को 4 को हासिल लगी 8, और 21 × 84 और 8 बिनवे सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया, 924। ठीक है, एक बार फिर से इनका गुना चेक करके देख लो, सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, 21 × 84 21 × 84 और 8 बिनवे, सही है। ठीक है, तो बेलन का आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया, बस हमें क्या निकालनी थी, त्रिज्या निकालनी थी, किससे, बेलन के सिरे के क्षेत्रफल से। तो देखो अगर बेलन के सिरे का क्षेत्रफल दिया गया, क्या दिया गया, सिरे का क्षेत्रफल,
यानी कि ये जो वृत्त है नीचे इसका या फिर इसके कोई से भी सिरे का हम क्षेत्रफल मान सकते हैं। तो यानी पाई आर स्क्वायर 154 है, आर का मान कितना आ गया 7। जब आर आ गया, ऊंचाई दी गई है, तो कुछ भी निकलवा लो, चाहे तो बेलन का आयतन निकलवा लो, चाहे तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकलवा लो, चाहे तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलवा लो, है ना, कुछ भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो गया प्रश्न नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 4। दो लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। कैसा है? 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात कितना है? 5:4 है। क्या है? 5:4। और हमसे क्या निकलवाया गया है? दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, हमें जो दिया गया है वो भी अनुपात में, और हमसे जो निकलवाया गया है वो भी अनुपात में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हमें दिया गया है, माना दो लंबवत बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? R1 और R2। तो त्रिज्याओं को हम क्या मान लेते हैं? R1 और R2। माना दोनों बेलनों की त्रिज्या बराबर R1 और R2, ठीक है। तो हमें क्या अनुपात में दिए गए हैं? ये दिए गए हैं 2:3 में, ठीक है। R1 का अनुपात 2 है और R3 का अनुपात कितना? R1 और R2 है। तो देखो, R1 का अनुपात तो हमें दिया गया है 2 और R2 का अनुपात हमें दिया गया है 3। ऐसे ही हम क्या मान लेते हैं? माना दोनों वृत्तों की ऊंचाई। तो माना दोनों बेलनों की ऊंचाई बराबर क्या है? H1 और H2। तो देखो, H1/H2 इनका अनुपात कितना दिया गया है हमें? इनका अनुपात दिया गया है 5:4। ठीक है। अब हमसे पूछा गया है दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल व आयतनों का अनुपात। तो सबसे पहले बेलनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करते हैं, ठीक है। बेलन कुछ नहीं करना, सीधा सीधा फॉर्मूला ही लगाना है ना, बस उनकी जगह हम क्या रख देंगे? इनका मान रख देंगे, आर ये रख देंगे और ऊंचाई ये रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, बेलनों के वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात, फॉर्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का? π/2πr। तो यहाँ R1 और H1/2πr2 और H2। तो R1 की जगह R2 और उसकी जगह R2, ठीक है। तो कुछ नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई। देखो, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया। क्या बचा अपने पास? अपने पास बच गया R1H1/R2H2। अब हमें इनके अनुपात दिए गए हैं दोनों, ना, R1 के भी अनुपात दिए गए हैं और H1 के भी, दोनों के अनुपात हमें दिए गए हैं। तो इनका मान रख दो। देखो कितना है, R1 2 और H1 5। तो 2×5/3 इसका मान है 3 और इसका मान है 4। तो ये कट गया कितनी बार? 2 बार। तो कितना आ गया? 5:6। कितना आ गया? देखो,
पाँच अनुपात छः आ गया, कितना आ गया अपने पास, अपने पास आ गया 5:6। तो बेलनों के वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:6। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, बस R1 की जगह R1 का दे, R1 2 था, ये मान लो कि अनुपात ना दिया दे के हमें क्या दी गई है, यो मान लो कि एक की त्रिज्या 2 है, एक की त्रिज्या 3 है, एक की ऊंचाई 5 है, एक की ऊंचाई 4 है, तो सीधा सा है 2π से 2π के दोनों कैंसिल हो गए, R1 का मान 2 × 5 = 10 और ये हो जाएगा 12, 2 से कट जाएंगे 5/6, तो 5:6 आ जाएगा। ऐसे ही क्या निकाल लेंगे, बेलनों के के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात देखो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बटे में, यहाँ ये आर वन, ये आर वन, ये पाई आर टू स्क्वायर एच टू। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, आर वन का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर गुना में 5, और इसका है 3, तो 3 का स्क्वायर गुना में 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो 4×5 बटे में 3×9 × 4, तो 4 से 4 कट गया, अनुपात आ गया 5:9। कितना आ गया अपने पास, आ गया 5:9, है ना। देखो बेलनों के वक्र पृष्ठ के और आयतनों के क्षेत्रफल में थोड़ा सा अंतर हुआ है, क्योंकि उसमें क्या हो जाते हैं, स्क्वायर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, स्क्वायर, आर का स्क्वायर, आर का, यहाँ आर 2 था, यहाँ आर क्या है 3, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो 4 से 4 कट गया, 5:9। ये आ गया किसका, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात और बेलनों के आयतनों का अनुपात। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ लो, बस R1 और R2 दिए गए हमें ये अनुपात की जगह, और हमें उनका क्या निकालना है, दोनों का कंपेयर करनी है, बस अनुपात निकालना है, तो 1/1 भाग दे देना बस, और कुछ नहीं करना, सीधा सा है ना। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, हमें एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, कौन सा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो देखो 1/3 है, तो हम 3 का भाग देके उसमें क्या निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखो बिल्कुल सरल प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, हमें दिया गया है कि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 462 cm² या वर्ग सेंटीमीटर। अब उसने कहा है कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 1/3 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को दिया ही गया है 462, कितना है 462। 3 का भाग दे देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा,
समवक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि 2πRH अपने पास निकल के आ जाएगा कितना, ये जो आएगा। तो देखो 3 × 3 बचा 1, 3 × 5 = 15 और ये 3 ये हो जाएगा 12, तो 3×4 = 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया 2πRH बराबर, क्या आ गया अपने पास 2πRH अपने पास कितना आ गया 154। ठीक है, तो देखो ये जो अपने पास था, ये अपने पास था क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना, वो क्या होता है, वो अपन को फॉर्मूला पता है कितना होता है, 2πRH प्लस में 2πR² यही होता है ना। फिर R कॉमन ले लेते हैं, फिर क्या बच जाता है 2πRH है ना, वो बन जाता है। तो देखो अपने पास बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो था 2πRH प्लस 2πR², ये आ गया, आया नहीं आया, ठीक है। और अपने पास जो ये आया है, ये क्या आया है, ये अपने पास आया है 2πRH। तो हम क्या निकाल सकते हैं, 2πR² निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं 2πR². तो देखो इसमें से अगर हम ये माइनस कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा, तो अपने पास निकल के आ जाएगा बेलन का क्या, जो व्रत है ना बेलन का नीचे वाला व्रत, उन दोनों व्रतों के क्या निकल के आ जाएंगे, क्षेत्रफल निकल के आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो अब हमें निकालना इसमें क्या है, हमें इसमें निकालना है क्या, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, त्रिज्या भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए। क्या चाहिए, त्रिज्या और ऊंचाई। तो देखो हम त्रिज्या तो यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। देखो 2πRH प्लस 2πR² तो था ये, ठीक है। देखो क्योंकि ये क्या है भाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला, और ये क्या है जो इसके बराबर में दिया गया है। अब हमने ये मान निकाल लिया, कौन सा 2πRH, ये आ गया 2πRH। तो देखो इसको मान लो समीकरण एक और इसको मान लो समीकरण दो, ठीक है। तो समीकरण एक में से समीकरण दो घटाने पर, समीकरण एक से समीकरण दो घटाने पर देखो क्या निकल के आएगा अपने पास। समीकरण एक था 2πRH प्लस 2πR², उसमें से माइनस करना है कितना 2πRH, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, πR² बचेगा। तो देखो इसका मान तो कितना है टोटल 462, उसमें से माइनस कर देते हैं कितना 154 सेंटीमीटर, ठीक है। और अपने पास यहाँ बचेगा क्या, जैसे मैं इसको, ये अपना अलग हो जाएगा, ये पार्ट जो बचेगा ना वो कौन सा आएगा, ये 2πR². तो देखो 2πR² बराबर, ये माइनस करो, देखो 100 माइनस किया कितना बच गया 362, 362 में से 54 माइनस किया तो 308, कितना आ गया 308 सेंटीमीटर। ये अपने पास क्या आ गया 2πR². तो देखो यहाँ से हम किसकी, किसका मान निकाल लेते हैं, त्रिज्या का, किसका, तो देखो R² बराबर 308। तो देखो 7 तो आएगा ऊपर और ये 2 × 22 आएगा नीचे, ठीक है। 2 से इसको काटते हैं, 2 × 1 = 5 और 4 54, इसको 2 से काटते हैं 11, ये आएगा 7 बार, तो ये हो गया 49, ठीक है। तो R बराबर अपने पास आ गया कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें किसका मान निकालना है, H का मान। तो देखो इस R का मान यहाँ रख दें तो किसका मान निकल के आ जाएगा, H का मान, ठीक है। तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, R का मान समीकरण दो में रखने पर, R का मान समीकरण दो में रखने पर, ठीक है। देखो 2πRH बराबर हमें कितना आ गया था अपना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमने पहले ही निकाल रखा है। अब हमने केवल इसमें R का मान रख देंगे, 2 × 22 / 7 × 7 × H बराबर 154, ठीक है। तो देखो 7 तो आएगा गुना में और ये सब आएंगे भाग में, तो इस 7 को मैं 7 यहीं से काट देता हूँ, इसमें सीधा 44 का
भाग दे देते हैं, 154 बटे में 2 गुना में 22। ठीक है, तो देखो ये 7 बार जाएगा इससे, है ना, क्योंकि देखो 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 और 1 = 15, तो इसको और काटेंगे तो कितना आएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आ गई अपने पास, ऊंचाई अपने पास आ गई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ तक, कोई है क्या? चलो एक बार फिर से देखते हैं। देखो हमें दिया गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2πRH प्लस में 2πR2। फिर उसने कहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है ना, इसका 1/3 है, तो इसमें 3 का भाग दे दिया, तो कितने बाद आ गया, 154। तो 154 अपने पास आया 2πRH, यानी देखो 2πRH तो आ गया कितना, 154। अब 2πR2 निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, इस पूरे में से ये 2πRH माइनस कर देंगे ये 154, तो हमने वही 154 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 308। 308 अपने पास आया है 2πR2। यहाँ से हम R का मान निकाल लेंगे, 2 का और 22/7 का इधर पश्चानांतरण किया, तो R का मान आ गया 7। अब ये R का मान हम यहाँ रख देते हैं, ये निकाला था ना अपन ने 2πRH बराबर 154, इसमें R का मान रख दिया, तो अपने पास क्या आ गया, H का मान, किसका मान आ गया, H का। तो हम क्या निकाल लेते हैं अब आसानी से निकाल लेते हैं बेलन का आयतन। ठीक, बेलन का आयतन क्या होता है, πR²H, क्या होता है, πR²H। तो देखो 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 3.5, कैसे ही कर लो, देखो इसको 7 से 7 काट लो, चाहे तो इसको 0.5, तो ये कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा ना, ऐसे ही काटते हैं, देखो ये हो जाएगा 0.5, 0.5 का गुना 22 से करेंगे ना, 0.5 तो कितना आता है, 11, 11 का गुना कर देते हैं 49 से, 49 गुना 11, तो 11 × 99 और 11 × 44, तो आ जाएगा 53 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपने पास कितना आया, 539 सेंटीमीटर क्यू। क्या निकाला है हमने, हमने निकाल लिया बेलन का आयतन, क्या निकाल लिया, बेलन का आयतन, और यही हमें निकालना था। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि देखो ना तो हमें इसमें त्रिज्या दी गई है और ना ही हमें ऊंचाई दी गई है, हमें बस ये कह दिया गया है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो वक्र पृष्ठ का एक, मतलब वक्र पृष्ठ 1/3 है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में 3 का भाग देके क्या निकाल लेंगे हम, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का भाग देके हम क्या निकाल लेंगे, 2πR² निकाल लेंगे। फिर 2πR² से हम R का मान निकाल लेंगे। फिर 2πRH में R का मान रख के H का मान निकाल लेंगे। जब R और H दोनों आ जाएंगे तब हम आयतन निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो ये देखो अच्छे से करना है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि बस ये याद रखना है कि देखो 2πRH 2πR² है, तो ये 2πRH ये निकल गया, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πRH, तो ये तो हो गया 2πRH। अब क्या बच गया अपने पास, 2πR² बच गया, तो इस 462 में से 154 निकालेंगे तो 2πR² बचेगा, वो ये 2πR² बराबर 308। जब 2πR² 308 है, तो इसकी सहायता से हम आसानी से R का मान निकाल लेंगे। R का मान यहाँ रख देंगे, तो किससे, इसके साथ इसका करके नहीं, H का मान निकाल लेंगे। H का मान फिर किस में रख देंगे, बेलन के आयतन में रख देंगे। तो जैसे ही बेलन के आयतन में मान रखा, क्या कर देंगे, उसको हल कर देंगे, और आंसर अपने पास आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यू। ठीक, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। पहले इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं एक बार। तो देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, बेलन
का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 660 वर्ग सेंटीमीटर है। 660 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करें, बिल्कुल सरल दिया गया है ये तो। ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर, आयतन ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले तो हमें आयतन निकालने के लिए R का मान चाहिए, R का मान हम इसकी सहायता से निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो इसको ऐसा करते हैं, ऊंचाई को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। ऊंचाई हम लिख लेते हैं यहाँ, ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, देखो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि 2πRh बराबर कितना दिया गया है, 660। तो h का मान दिया गया, r का हम निकाल लेंगे। तो देखो 2 गुना 22 बटे 7 गुना r गुना में 15 बराबर 660। देखो 7 तो गुना होगा और ये तीनों इसके भाग में आ जाएंगे। तो देखो r बराबर 7 इधर जाएगा तो 660 गुना में 7, 2 भी नीचे आएगा, 22 भी नीचे आएगा और 15 भी नीचे आएगा, ठीक है। तो देखो 2 से इसको काट देते हैं, 3 3 0। अब 15 से काटते हैं इसको, देखो ये कट गया, ये कट गया। 15 से काटो, देखो 15 दूनी 30 बचा 3 और 15 दूनी 30 तो 22 आ गया। कितना आ गया, 22, और 22 से 22 कट गया तो R का मान आ गया 7। R का मान अपने पास कितना आ गया, R का मान आ गया अपने पास 7। अब हमें निकालना है बेलन का आयतन, क्या निकालना है, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र में ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, आयतन। तो देखो 22 बटे 7 गुना आर अपने पास आ गया 7 गुना 7 और ये अपने पास है 15, तो 7 से 7 कट गया, ठीक है। गुना कर लो, 154 गुना में 15, ठीक है, क्योंकि देखो 7 का गुना 22 से करते हैं, 7 दून 14 और 1 15। अब इनका गुना कर लो, पहले भी हमने किया इन दोनों का गुना, ना। तो देखो 15 3 45, 15 चौके 60, 6 हासिल, तो 15 5 75, 75 और 6 81, 8, 15 एकम 15, 15 और 8 23 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया अपने पास, अपने पास आ गया 23 10, कितना आ गया सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि देखो 15 चौके 60 0 6, 15 5 75 और 6 81 का 1 का और 15 एकम 15 और 8 23, ठीक है। ये अपने पास आ गया आयतन, बेलन का आयतन, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है, ऊंचाई दी गई है, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की सहायता से त्रिज्या निकाल लेंगे और आयतन निकालेंगे। ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज़ हमें त्रिज्या या आयतन, त्रिज्या या फिर ऊंचाई नहीं दी गई है, तो हमें जो दिया गया है उसकी सहायता से हमें या तो त्रिज्या अगर नहीं है तो त्रिज्या निकालेंगे, ऊंचाई नहीं है तो ऊंचाई निकालेंगे। जैसे यहाँ हमें त्रिज्या दी हुई होती, ऊंचाई निकाल रहे होते तो त्रिज्या का मान यहाँ रख लेते, एच को यहाँ और इनको सबको, ऐसे ही हम हल कर लेते, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, सरल सरल से क्वेश्चन है, सीधे सीधे फॉर्मूले लग रहे हैं, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। और अब कुछ बच्चे जो कमेंट में टेस्ट के लिए बोल रहे हैं ना, तो अब
हम कुछ दिनों में, है ना, परसों या पल्ले दिन में, हम दो तीन दिनों में ही तुम्हारा टेस्ट लेंगे, ठीक है। इसलिए सब टेस्ट के लिए तैयार रहना, है ना, तैयार रहना। कौन कौन सी एक्सरसाइज आएंगी? 6, 7 एंड 8, ठीक है। तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट से तैयार कर लेना, ठीक है। अब किस कभी भी दो दिन में या तीन दिन में हम तुम्हारा टेस्ट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक बेलन का आयतन, क्या दिया गया है? बेलन का आयतन, तीस पाई, कितना दिया गया है? 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तथा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो, आयतन है और क्षेत्रफल है, तो आयतन में तो आती है ऊंचाई और आधार में इसमें आती है क्षेत्रफल। देखो बिल्कुल सरल है, ये आयतन है, कितना है आयतन? 2πrh, सॉरी आयतन कितना होता है, देखो आयतन होता है अपने पास πr² आधार का क्षेत्रफल होता है अपने पास πr², ठीक है क्या? नहीं, सीधा सीधा सा देखो, पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, है ना। तो देखो इनका मान अपने पास कितना है, 30 पाई / 6 पाई, तो देखो पाई से पाई, 6 × 5 = 30, कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। देखो हम इसे अच्छे से कर लेते हैं, है ना, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। बेलन का आयतन यानी कि देखो ऐसे लिखते हैं हम, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30 पाई, ठीक है, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है अपने पास? 6 पाई, तो ऊंचाई बराबर पाई आर स्क्वायर एच बटे में पाई आर स्क्वायर, 30 पाई / 6 पाई, पाई से पाई, 5 सेंटीमीटर, कितना बच गया? 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब था, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब में डिवाइड देंगे, जब क्या बच जाएगा? सेंटीमीटर बचेगा। तो इनको तो अपन सीधा ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कैसे ही कर लेना इसको, अगर ये सूत्र याद है बस। क्या करना है? कुछ नहीं करना, आयतन में उसके आधार का क्षेत्रफल दे देना। मैंने पहले ही कह रखा है कि जो आयतन बनता है वो क्या बनता है? वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा कर दो, ठीक है, और जब ऊंचाई निकालनी है तो आयतन में वृत्त के क्षेत्रफल का भाग दे दो, ऊंचाई निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो अपना हो गया ये कौन सा, अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7 अपना कंप्लीट, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रम से दिए गए हैं, तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या मान निकालनी है, तो मान लेते हैं, माना बेलन की त्रिज्या बराबर r और ऊंचाई बराबर h, ठीक है। अब हमें जो दिया गया है हम वो लिख लेते हैं कि बेलन का आयतन तो हमें दिया गया है, बेलन का
आयतन, ठीक है। सात्र में हम बेलन के आयतन के इसका सूत्र भी लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, आयतन का यही होता है। बराबर में हमें दिया गया है कितना, 1650 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें दिया गया है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh, बराबर में क्या दिया गया है, बराबर में हमें दिया गया है कितना, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें बेलन की क्या निकालनी है, त्रिज्या भी निकालनी है और हमें बेलन की ऊंचाई भी निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, बेलन का आयतन देखो पाई आर स्क्वायर एच एंड टू पाई आर एच, ठीक है। देखो यहाँ आर स्क्वायर है, क्या है, आर स्क्वायर, और यहाँ कितना है, 2π, ठीक है। देखो जब हम इसमें इसका भाग देंगे तो h से h कट जाएगा, पाई से पाई, तो अपने पास पाई का मान तो है, तो पाई के मान की तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई का मान r के साथ रख लेंगे जब इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, इसको समीकरण मान लेते हैं, समीकरण एक व समीकरण दो। तो समीकरण एक में समीकरण दो का भाग देने पर देखो, समीकरण एक में दो का भाग देने पर देखो, पाई आर स्क्वायर एच बटे में 2πRh बराबर 1650 बटे में 660। तो देखो ये जीरो से जीरो, ठीक है। यहाँ देखो h से h, एक आर से एक आर, पाई से पाई, ठीक है। तो ये बचा अपने पास r बटे में 2, क्या बचा, r बटे में 2 बराबर कितना है, देखो अब इसको काट लो, किससे कटेगा, 11 से काटते हैं, देखो 11 एकम 11 बचा 5, तो 11 पंजे 55 और 11 छी की 66, फिर 3 से काट देते हैं, 3 पंजे 15 और 3 दुनी 6, ठीक है। तो देखो r बटे 2 बराबर कितना आ गया, 5/6, कितना आ गया, 5/2, ठीक है। अब देखो ये 2 जो है, अब इसको इधर भेज देते हैं, तो किस में आएगा, गुना में आएगा, तो r बराबर 5/2 गुना में 2, तो 2 से 2 कट गया, r बराबर अपने पास आ गया 5 सेंटीमीटर। आई समझ में, क्या किया हमने, इसमें इसका भाग दिया है, क्योंकि देखो h से h कट गया, r से एक r बच जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, नीचे बच जाएगा 2, तो अपने पास बच गया पाई बटे 2, इनको काटा तो अपने पास आया 5/2, इस 2 को इधर भेज दिया तो r का मान आ गया, ठीक है। अब देखो इस r का मान को क्या रख, कहाँ रख दो, r के मान को रख दो यहाँ समीकरण 2 में, चाहे पहले में रख दो, कहीं रख दो, हम ना हम 2 में रख देते हैं, r का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो देखो समीकरण 2 पे रख दो, 2 × 22/7 × 5 × h, h का मान निकालना है ना हमें, 660, ठीक है। तो देखो ये 7 तो आएगा इधर, ठीक है, इधर कर देता हूँ मैं, देखो इसको लाइन खींच के कि यहीं कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा होगा। तो देखो h बराबर 660 गुना में 7 बटे में, देखो 22 का गुना में 2 से कर लेता हूँ, चलो बाद में कर लेंगे, अभी सीधा लिख देते हैं, गुना में 5, ठीक है। तो देखो 11 से काट दो सीधा, 11 छींगे 66, 60 बार और ये 2 बार, फिर इसको 2 से काट दो, कितनी बार, 30 बार, फिर इसे 2 से काट दो, 15 बार, फिर 5 से काट दो, 3 बार, तो कितना बचेगा, 7 × 3, 21 सेंटीमीटर। h का मान कितना आ गया अपने पास, अपने पास आ गया h का मान 21 सेंटी
मीटर। तो ये कैलकुलेशन गन्ना जो है ये काटा पीटी तो तुम खुद कर लोगे, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी सी तुमको दिख नहीं रही है, देखो अब दिख जाएगी, है ना, ये लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना। तो क्या करना है इनको, बस आपस में काटा पीटी ही करनी है, ठीक है ना। आर का मान अपने पास आ गया, तो आर का मान यहाँ रख के नहीं, इसको फिर पश्चानांतरण करके इसको हल कर लेंगे, जैसे हम करते हैं आर का मान निकाल दिया, ऐसे ही हमने एच का मान निकाल लिया, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 8, ठीक है। तो इसमें कुल को टोटल कितने क्वेश्चन है अपने पास, इसमें अपने पास टोटल क्वेश्चन है 13, कितने हैं 13। तो आज के लिए हम केवल 8 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, बचे कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो अच्छे से इनको तुम अपनी फेयर कॉपी में नोट करते रहो और 6, 7, 8 का रिवीजन कर लो, क्योंकि 2-3 दिन में ही हम उनका टेस्ट लेने वाले हैं सबका, ठीक है। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लेना और वीडियो देखते रहो। अब टाइम मिल रहा होगा तुमको खूब, क्योंकि हम एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डाल रहे हैं, तो अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक।